हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन, जो अपना यूनिट टू है ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए, आई मीन अप्लाइड फिजिक्स वन के बच्चों के लिए। उसमें हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन में अभी तक वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड दो टाइप का उसका जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद उस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या होता है, अभी आप हेडिंग पुट कर लो इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है बेटा। इनर्शिया को हिंदी में ना जड़त्व बोलते हैं, आप सबको पता होगा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता है। मींस इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया वॉज गिवन बाई गैलीलियो, इनर्शिया गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इनर्शिया होता क्या है। तो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब अवस्था में, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन या मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनर्शिया, और आप कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इट वॉज गिवन बाई गैलीलियो, ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। बेटा इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के तीन टाइप होते हैं, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अगर ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये तीन टाइप का इनर्शिया होता है, एंड इनर्शिया वॉज गिवन बाई गैलीलियो, राइट करो आप। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, अपने सिलेबस में फिर लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना है, ठीक है। हेडिंग लगा लो आप लीनियर मोमेंटम। एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। होता क्या है लीनियर मोमेंटम, तो किसी भी बॉडी के मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पे अपने को जो क्वांटिटी मिलता है, डैट क्वांटिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मींस लीनियर मोमेंटम
इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक, डेफिनेशन लिख देते हैं हम आपके लिए. लीनियर मोमेंटम, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल समझो आप, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम मान लेते हैं 2 kg है और ये 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तब इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. तो देयरफॉर P इज इक्वल टू, मास है इसका 2 kg और वेलोसिटी इसका दिया 15 मीटर पर सेकेंड. तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू 30 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. सबसे पहले जो हम बताए कि ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है. जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है. ठीक है, दूसरा इसका ऐसा यूनिट यहां से आपको पता चल गया, केजी मीटर पर सेकेंड. तो इट्स ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. यहीं से आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा. इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बोलो? केजी मास को रिप्रेजेंट करता है तो एम हो गया, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एल हो गया, सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है टी हो गया, टी का पावर क्या देंगे? -1. ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन आपको विद एग्जांपल माइंड में रखना पड़ेगा. इसके बाद हम लोग लीनियर मोमेंटम में 3 रिलेटेड जो ग्राफ बनता है, लीनियर मोमेंटम पी एम और वी, लीनियर मोमेंटम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, तो इस पे बेस्ट 3 ग्राफ्स होते हैं, उन तीनों ग्राफ को हम लोग समझेंगे. आप इसको राइट करो फिर हम आपको ग्राफ समझाते हैं. इसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें ग्राफ, ग्राफ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, ग्राफ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. ठीक है, 3 केस में हम आपको समझाएंगे. केस फर्स्ट में आप ऐसा मान लो, केस 1, इफ मास इज कांस्टेंट, मास क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो आपको पता है कि सिंस लीनियर मोमेंटम पी बराबर एम भी, अब मास जब कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो लीनियर मोमेंटम घटेगा, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा. मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वाला ग्राफ बनेगा. इस पे मान लो हम लीनियर मोमेंटम को शो किए, इस पे वेलोसिटी को, जब वेलोसिटी 0 है तो लीनियर मोमेंटम भी 0 है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है, मीन्स पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये ग्राफ बना. सेकेंड केस में आप ऐसा मान लो, केस 2, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको पता है पी इज इक्वल टू एम भी, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम,
मतलब मास बढ़ेगा तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटेगा तो लीनियर मोमेंटम घटेगा, और जब किसी बॉडी का मास जीरो होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगा, एकदम से सिमिलर ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। इस पे हम P को डिनोट किए, इस पे M को डिनोट किए। जब मास जीरो तो लीनियर मोमेंटम भी जीरो, उसके बाद एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। थर्ड जो ग्राफ है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। थर्ड में हम लोग समझेंगे व्हेन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, व्हेन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो सिंस P इज इक्वल टू एम भी, तो आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू P बाई एम, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास घटेगा। ये ग्राफ में आपको प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा। इस पे हम m मान लेते हैं, इस पे हम वेलोसिटी v मान लेते हैं, और इसका ये ग्राफ होगा। देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, रिलेटेड में मास सबसे कम है। इस पॉइंट पे मास सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबसे कम है, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, राइट करो आप तीनों ग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया का। जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है, एग्जैक्ट उसका कॉपी पेस्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। कुछ मैथमेटिकल एडवांसमेंट भी इसमें उन्होंने किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक भाई? तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है, लिख देता हूं मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट remains at rest, and when an object is in uniform motion, remains in uniform motion, remains in uniform motion, unless an external force, acts on it, ठीक है? ये statement है। अब यहां पे समझिए, ऑब्जेक्ट के दो स्टेट का बात हो रहा है, एक तो रेस्ट का बात हो रहा है। बच्चा, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होने का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो रेस्ट पे होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो, एंड नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगा? मास इंटू जीरो, नेट फोर्स जीरो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है।
नेट फोर्स जीरो है, ऐसा ना आपको नहीं समझना कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हो सकता है दो चार पांच फोर्स लग रहा होगा, बट सबका नेट वैल्यू जीरो है। जैसे ना आप ध्यान से देखो, ये मार्कर अभी हम यहां पे ऐसा होल्ड करके रखे हैं, बेटा इस पे अभी एट अ टाइम दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, धरती माता अपनी तरफ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, और मेरा हाथ इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे के रखा है, तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, बट जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स आई मीन इसका वेट लग रहा है, मेरा हाथ उतना ही इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे के रखा है। इसका मतलब है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो हम ऐसे पकड़ के इसको हटा दिए, तो हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर दिया। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में आप समझिए, यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही क्यों रहता है भाई? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यहां पे भी आप एक्सेलरेशन निकालो, वी माइनस यू बाई टी, जब v और u दोनों बराबर है तो एक्सेलरेशन वंस अगेन जीरो। बेटा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो। मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तब भी उस पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करने के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, राइट करो आप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालो आप, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है और टाइम के रेस्पेक्ट में उसके लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके बराबर होता है। स्टेटमेंट लिखते हैं फिर हम इसको डिटेल में समझाते हैं आपको। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू फोर्स। ठीक है, मीन्स F बराबर dp by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। बेटा इसको हम ना दो टाइप से आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। पहला केस में ऐसा आप मान लो, केस फर्स्ट में when मास इज कॉन्स्टेंट, जब मास कॉन्स्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा तो नेट फोर्स के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है F बराबर m इंटू a, 90% केस में वो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है। F बराबर m इंटू a, यहां से भी अपने को वही मिलेगा। F बराबर dp बाई dt को अभी हम सॉल्व करेंगे तो अपने को F इज इक्वल टू m इंटू a मिलेगा, लेकिन वो तब वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और 90% केस में मास कांस्टेंट होता है। कुछ सिचुएशंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे रॉकेट रिपल्सन के केस में। बेटा ये रॉकेट है, इसमें फ्यूल टैंक होता है, उसमें पूरा फ्यूल भरा हुआ है भाई। जब ये रॉकेट लॉन्च होता है और ये ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा
इसका फ्यूल बर्न करेगा, फ्यूल इसका कम होगा, इस केस में इसका मास कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तब आप उस केस में एफ बराबर एम इंटू ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो हम वेरिएबल मास का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। उस टाइम में एफ बराबर डीपी बाई डीटी का यूज आपको कैसे करना है वो सब हम समझाएंगे। एक और सिचुएशन ले लो, कोई बलून है, उसमें बहुत सारा एयर भर के उसको आपने ऐसे बड़ा सा ब्लूम करके रखा है, ऐसे हाथ में पकड़े हो बलून को, फुला के एकदम उसमें पूरा एयर भरा हुआ है। जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसमें मोशन आएगा और उसका एयर बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, तो जैसे जैसे एयर तेजी से बाहर निकलेगा वो श्रिंक करेगा। तो एयर था उसके अंदर जिसकी वजह से उसमें कुछ मास था, लेकिन जब एयर एक कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रहा है तो उसका मास धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे भी मास वेरिएबल नहीं है, जब मास वेरिएबल नहीं है तो एफ बराबर एम इंटू ए से उस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम कॉन्स्टेंट मास वाला प्रॉब्लम लेते हैं। अभी हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में समझा एफ बराबर एम डीपी बाई डी टी, एफ बराबर डीपी बाई डी टी एंड पी बराबर एम इंटू वी। पी का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं अगर, तो एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। बेटा हम लोगों ने मास को कॉन्स्टेंट माना है, तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये एफ बराबर एम इंटू डी वी बाई डी टी। एंड डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सलरेशन। तो एफ बराबर एम इंटू ए, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम डायरेक्ट एफ बराबर एम इंटू ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ बराबर डी पी बाई डी टी से भी अपने को यही मैसेज मिलता है कि एफ बराबर एम इंटू ए, बट किस कंडीशन में? जब ऑब्जेक्ट का मास होता है कॉन्स्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं होगा तब फिर हम एफ बराबर एम इंटू ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको राइट करो, फिर हम वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। इसका एक और केस आप ले लो, When mass is variable, when mass is variable, जब mass variable है तब हम इस concept का इस्तेमाल, I mean Newton's second law का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो अभी आपने देखा F बराबर dP by dt, तो therefore F is equal to d by dt of P मतलब mv, mass into velocity। अब यहां पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा, चूंकि मास वेरिएबल है, वेलोसिटी को भी अभी हम वेरिएबल मान रहे हैं, तो दो वेरिएबल है, इसका डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी वाला डिफ्रेंसिएशन, f बराबर m बाहर आ जाएगा डी वी बाई डी टी प्लस v बाहर आ जाएगा डी एम बाई डी टी, ठीक है। अब यहां पे आप ये समझो कि अगर आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाए, इफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, अगर आप ये मान लेते हो कि वेलोसिटी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो बेटा यहां पे आप ध्यान से देखिए v dv by dt लिखा हुआ है। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो dv by dt किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये dv by dt वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। उस केस में जो नेट फोर्स का वैल्यू आएगा, एफ इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये हो गया वी इंटू डी एम बाई डी टी। ये जो डी एम बाई डी टी है, ये जो डी एम बाई डी टी यहां अपीयर हुआ है, इसको हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास With respect to time, मतलब रेट ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, राइट करो आप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में. लीनियर मोमेंटम हमने आपको पढ़ाया. लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फिर उसका एक एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, रिक्वाइलिंग ऑफ गन. ठीक है, तो बेटा कंजर्वेशन शब्द जहां लगता है उसका डेफिनेशन लगभग सबके पास माइंड में होता है. जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इसी तरह से हम लोग अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे. हेडिंग डालो आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा क्या? तो बहुत छोटा सा एक डेफिनेशन हम आपको लिख रहे हैं यहां पे. द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. अपने को इसका एक एप्लीकेशन जानना है. एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एप्लीकेशन जो है अपना वो है रिक्वाइलिंग ऑफ गन. रिक्वाइलिंग ऑफ गन. ठीक है, अब ना इस टॉपिक पे हम चलेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कभी अगर भविष्य में आपको गन खरीदने का मौका मिलता है तो आप किस टाइप का गन खरीदना चाहेंगे? क्या आप हल्का गन खरीदना चाहेंगे या हेवी वेटेड भारी गन खरीदना चाहेंगे? कौन सा गन आपके लिए फेवरेबल होगा, इजी टू फायर होगा? इसी टॉपिक में अपने को इस खूबसूरत सवाल का जवाब मिलने वाला है. पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रिक्वाइलिंग ऑफ गन क्या होता है. बेटा जब किसी गन से बुलेट फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ बढ़ता है बट गन पीछे की तरफ मूव करता है. व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन देन बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट द गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिक्वाइलिंग ऑफ गन. ठीक है, तो रिक्वाइलिंग ऑफ गन का हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं. व्हेन बुलेट इज फायर्ड, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट द गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बट द गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिक्वाइलिंग ऑफ गन. इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? रिक्वाइलिंग ऑफ गन. एंड गन जिस वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिक्वाइलिंग वेलोसिटी. द वेलोसिटी विथ विच गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिक्वाइलिंग वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को बोला जाता है
रिक्वायलिंग वेलोसिटी, मतलब गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करता है डेट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिक्वायलिंग वेलोसिटी। अपने को यह रिक्वायलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और वहीं से अपने को पता चलेगा कि हमारे लिए हेवी गन अच्छा होगा या हमारे लिए लाइट वेटेड हल्का गन अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप राइट करो, फिर हम रिक्वायलिंग वेलोसिटी का डेरिवेशन समझाते हैं आपको। अब हम लोग रिक्वायलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। रिक्वायलिंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा आप मान लो कि लेट द मास ऑफ गन, गन के मास को कैपिटल एम मान रहे हैं, द मास ऑफ बुलेट, बुलेट के मास के स्मॉल एम मान रहे हैं। अच्छा बेटा, गन है उसमें हम लोगों ने ऐसे बुलेट इंस्टॉल किया, अभी हम फायर नहीं किए, तो फायरिंग से पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे है। इसका मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो। लेकिन जैसे ही फायर होगा, जैसे ही गोली चलेगी, बुलेट आगे की तरफ मूव करेगा और गन पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो फायरिंग के बाद दोनों के पास वेलोसिटी होगा, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज भी बी मान लिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड वेलोसिटी ऑफ गन इज वी जी मान लिए आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद। ठीक है, अब यहां पे हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर पढ़ लोगे बिफोर फायरिंग, इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ओके, लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो गन का मास m फायरिंग से पहले बट गन की वेलोसिटी जीरो, बुलेट का मास छोटा m बट बुलेट की भी वेलोसिटी जीरो। लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, गन का मास m, गन का वेलोसिटी vg, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट का वेलोसिटी vb, ये तो बेटा जीरो हो गया। जीरो बराबर एम वी जी प्लस एम वी बी, हमको चाहिए रिक्वायलिंग वेलोसिटी, रिक्वायलिंग वेलोसिटी का मतलब गन का वेलोसिटी, तो इसको हम इधर ही छोड़ेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर एम वी जी बराबर एम वी बी, देयरफॉर वी जी बराबर ये माइनस साइन के साथ इधर आया तो निगेटिव हो गया, माइनस एम वी बी डिवाइडेड बाई एम। बहुत ही शानदार रिजल्ट यहां पे मिला है। सबसे पहले ये जो माइनस साइन है वो ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिक्वायलिंग वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सही बात है भाई, बुलेट आगे की तरफ मूव करता है बट गन पीछे की तरफ मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा यहां से देखिए कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, जो गन का वेलोसिटी है मतलब जो रिक्वायलिंग वेलोसिटी है
वो गन के मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना हेवी गन होगा उतना स्लो पीछे आएगा, जितना हल्का गन होगा उसका रिक्वायलिंग वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, वो तेजी से पीछे आएगा। तो अपने लिए फेवरेबल कंडीशन कौन है कि रिक्वायलिंग वेलोसिटी कम हो, क्योंकि जो बंदा फायर करेगा गन उसी ने होल्ड करके रखा है, अब जब गन पीछे की तरफ मूव करेगा तो इस वेलोसिटी को आपको ही टॉलरेट करना है अगर आप फायर कर रहे हो तो। तो अगर आपका गन हेवी होगा तो उसका रिक्वायलिंग वेलोसिटी कम होगा, मतलब इजी टू फायर होगा, इसीलिए हमको हेवी गन प्रीफर करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका वीजी है, वी मतलब वेलोसिटी, जी मतलब गन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायलिंग वेलोसिटी, एंड रिक्वायलिंग वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, जितना गन आपका हेवी होगा उतना ज्यादा रिक्वायलिंग वेलोसिटी होगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, ये चैप्टर एक दो लेक्चर में ओवर होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग अगले यूनिट पे फोकस करेंगे। धीमे धीमे हमारे साथ पढ़ते रहिए, जो भी बुक्स है आपके पास आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो आप ग्रुप में शेयर करो या पर्सनली मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर शेयर करो, विद इन फ्यू आवर्स आपको उसका आंसर सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ओके, कीप वॉचिंग, बी हेल्दी, बी हैप्पी एट होम, थैंक यू सो मच।